साहिब को क्या खबर, किसी पर छुरी चल गई, कातिल को क्या खबर। कांटों से पूछिए ना किसी कुल से पूछिए, शर्मा चमन के लुटने का बुलबुल से पूछिए। क्या जरा सी देर में प्राणों का इतना मोह हो गया कि भजन का भूल गया। ये भजन क्या चीज है, जो क्षत्रिय का फर्जंद है, जिसे मुंह से बाजो निकली वो ही सौगंध है। ये भजन क्या चीज है, क्षत्रिय का जो फर्जंद है, जिसके मुंह से बाग जो निकली वही सुगंध है। क्या तेरी बात है, सुगंध है या फर्जंद है, किस लिए खामोशी है, किस लिए दम बंद है। ऐसे मिथ्यावादियों से मैं बहुत घबराता हूँ, तू भजन से फिर कर खुश रह, मैं चला जाता हूँ। इसमें दोनों पक्ष निर्दोष हैं, मैं समझाता हूँ। आशा है कि ये आपको राम लक्ष्मण के हवाले कर देंगे। ऐ राजन, क्यों स्नेह सागर में गोते खा रहे हो, राम लक्ष्मण को देते हुए क्यों घबरा रहे हो। गुरु जी, जरा आप ही विचार करिए कि जहाँ भाल कलाक्ष और कहाँ सुंदर सुकुमार, परों पर एक पक्षी इस तरह हिंदुस्तान को धरेगा। केवल अपना बचाओ इस तरह हाथों से करेगा। हे राजन, अपने हृदय से ये स्नेह दूर करो, जिसको सुंदर और कोमल सुकुमार समझते हो, जिसको पुत्र और प्राण आधार समझते हो, वो पार ब्रह्म परमात्मा राक्षसों को मारने वाले पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हैं। विश्वामित्र जी इनको विद्याभ्यास कराएंगे और क्षत्रियों के प्रचंड सिखाएंगे। भाग्या ऐसा है तो मुझे मुनि विश्वामित्र जी को आपने दोनों सुकुमार सौंपने में क्या इनकार है। मंत्री जी जाओ, राम और लक्ष्मण को शीघ्र बुला रहा है। जो आ गया महाराज। होशियापति रामचंद्र की नाम मुनि को, दूजा पर नाम मुनिवर को, तीजा पर नाम पिताजी को, चौथा पर नाम पूजे नाम मंडल को मेरा नमस्कार। ये राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं, जो प्रजा को प्यारे हैं। जगत का पूज्य है, तुमको तुलता मान कवि लीला, किसी का नाम है माया, किसी का नाम हर लीला। वही राम जिनके दर्शनों के लिए जोगी जन विलासा करते हैं, जिनके ध्यान की प्राप्ति के लिए शिव जी ही आशा करते हैं। मुख की शोभा पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है, विषम जही विषम्बर जही, जही नीलकंठधारी, जही पार ब्रह्म परमेश्वर,
यही राम है मुरारी, बलि पर हुए दयालु, जो दया दिल में धारी, भगत हित द्वार उसके बने भिखारी, धरती का भार हरने यही राम बने हैं, पापों का घन उठाने घन श्याम आओ बने हैं। हे राम बेटा, किसी महाराज को प्रणाम करके मुनि विश्वामित्र जी के आ जाओ, जो ये हुक्म दे और बुझा लाओ। हम पिताजी की आज्ञा शीश पर धारण करके जाएंगे, यथाशक्ति मुनिवर का दुख दूर करेंगे। पिताजी महाराज, मुझे भी भैया के साथ जाने की इजाजत दीजिए। Oh,
साथ आओ, मैं खुश हूँ कि तुमको वहाँ जाने में कोई भय नहीं है। भय से हमारा क्या संबंध, हमें ये कुछ मालूम नहीं कि आफत बला क्या है। फकर सुनते हैं इतना कि पिता की आज्ञा क्या है, तो फिर हमारी हाल कैसी जबरदस्त है। महर्षि, ये दिल और जिगर दोनों आपके अर्पण है। ये मेरे दोनों नेत्र आपके अर्पण है। वो वृक्ष धन है जिसकी डाली के दो फूल अपनी सुगंधी से वायु को सुगंधित बनाएंगे और देवता लोग जश पाएंगे। राम लक्ष्मण जी चलिए कितने
नाम है। मारित और स्वाहू की माता तारका का किसी जंगल में इत्याम है, क्या वो भी अपने बेटों की तरह बदकार है? हवा धरने की जालम और जफाकार है। तो चलिए आगे कदम बढ़ाइए। सगन तो अच्छा हुआ, चोर से पहले चोर की मां मर गई। अरे हट पाजी, कौन कहता है मैंने शराब पी है? अरे
नाम किस जिले की है? अरे क्यों शोर मचाता है? हमारे साथ विचारा कर विचारा। अरे रात भर अंडा पकाया वो विचारा कच्चा रह गया। अरे सारी दुनिया भर गई ये लू का। अरे तारी क्यों देता है तू भी सुन ले। रात भर भैसे तुम हालात की नहीं विचार से। I had a cat.
करकी वाले चाची ला चुकी अब आए फर्जन बस बस ज्यादा गुस्सा ना रहा मैं खाऊ हूं सहू मेरी आवाज सुनकर आसमान तक कम कमाता है मेरे चलने से पृथ्वी पर साथ आता है मेरे बांधों से पर्वत का फिगर भी डगम रहता है गुस्सा आता है पर मंत्री खोज का भारी मन है सागर को अपनी मौज का भी भारी मान है
जारा को नाच पेंग पर बादल लोग आपार क्षत्रि की शान गई फौजे बच्चे इंद्रान जरा सी जान और गड़बड़ चीज बन अभी निदान है देवस्था अभी रण की धरती को दे लो अभी जाकर पियो दूध मां का अभी तुम आंगन में गए लो हम बच्चे हैं मगर शेर के बच्चे हैं आओ तुम्हारे जैसे हौसले के मौसम को छोड़ कर निकले हैं घर से हम सिर्फ तुम्हारे ही शिकार को हथियार है जय दुष्ट जनों के शिकार दुनिया से कर्म धर्म का दुनिया में नाश है के निर्जन पणों में सिर्फ हमको तुम्हारी ही कैलाश है पाएगा खूब भूल जाएगा सीने में
शमशीर को फिर बगाऊंगा तेरे जगह पर तीर को कहर कर सूर से छीनूंगा लग गए तीर को बंद कर दूंगा हमेशा के लिए तेरी तक तीर को दिखाएंगे बाल तुमको अपना बहुत बहुत दिखा चुके तुम तरह से आप अपनी बात अनाथों की बेकसूरों को सता चुके तुम तो ब्राह्मण को सताया अब उसका परिणाम भी देखो बहुत कमाया है जुलम तुमने अब इसका अंजाम भी देखो रघुनंदन की जय हो गुरुदेव ये आपका ही आशीर्वाद है वरना हमारी क्या बुनियाद है महामुनि विश्वामित्र को दास का दंडवत प्रणाम है ये पत्थर महाराजा जनक ने भेजा है और आपको सीकर जनकपुरी बुलाया है वाह वाह ये पत्थर भी खूब मौके पर आया है गुरु जी ये पत्थर किस लिए आया है बेटा मिथिलापुरी के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है और हमें शामिल होने के लिए बुलाया है तो गुरु जी स्वयंवर में क्या होगा जगह जगह से राजा महाराजा आएंगे स्वयंवर के कमान का चिल्ला चढ़ाएंगे जो कमान का चिल्ला चढ़ाएगा उसके साथ जनक नगरी का विवाह होगा ये चिल्ला चढ़ाने की शर्त क्यों रखी है जनक नगरी एक दिन पूजा के लिए चौका दे रही थी और मंदिर रखा था उसने बाएं हाथ से पुरुष उठाकर चौका दे दिया राजा जनक हैरान हो गए और उसी दिन से प्रण किया कि जो इस दुरुष का चिल्ला चढ़ाएगा उसी से राजकुमारी का विवाह किया जाएगा तो गुरु जी हमको भी साथ ले चलिए हाँ हाँ बड़ी खुशी के लिए आप ही लोगों के लिए सम्मेलन है हमें तो केवल देखने के लिए मिलना है जलकर
को एक चलित्र नया दिखाएंगे, भारत से झुककर लोहे को सोना बनाएंगे। मुनिराज, ये शिला कैसे पड़ी है? मानो बड़ी विचित्रता से बनाई हुई किसी मनुष्य की मूर्ति खड़ी है। हे रघुकुल तिलक, हे अदम आधार, सुनो, गौतम नारी श्राप है, पत्थर हुआ शरीर, चरण कमल रहने का नहीं, कृपा करो रूपी। गौतम ने अपनी पत्नी को कैसे श्राप दिया? एक समय देव इंद्र गौतम नारी अहिल्या की सुंदरताएं देखकर मोहित हो गया और गौतम ऋषि की गैर हाजिरी में गौतम का रूप बनाकर अहिल्या के पास आया और अपना पति बनाया। उसका पति नाम भगवान करने को बहुत जोर लगाया, लेकिन जी पति वक्ता नारी आई ने इंद्र की चालों में गौतम ने आकर देख लिया। देव इंद्र को बुरे ख्यालों जी यदि पहले पति वक्ता मगर क्रोध का अंत न था, बंजा पत्थर की शिला अभी गौतम ने ऐसा श्राप दिया। क्या ऐसे धर्मात्मा गौतम ऋषि को अपनी पत्नी पर दया नहीं आई? मगर अहिल्या के बारंबार विनती करने पर गौतम ने इतना कह दिया कि राम अवतार तेरा उद्धार करेंगे, शिला रूपी बंधन को काटकर तेरा निस्तार करेंगे। प्रभु वश में तुम्हारे हैं, ये लीला अब दिखा देना, चरण पारस लगाकर लोहे को कंचन बना देना। यदि पुरुषार्थ से मेरे किसी का कुल सुधरता है, रहे किस्मत मेरे सर से तो एक कर्जा उतरता है। मुनियों के राक्षस, तीनों के पालक, तुम्हारी जय हो। कहा था कि तब मेरा उद्धार होगा, जब दुनिया में राम अवतार होगा, वही दृष्टि गोचर मेरे आ रहा है, चरण कमल में सा झुका। हे सती, तेरा दुख निवारण हुआ, तुझे देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। हे प्रभु, आपके बिना दुखी का दुख कौन निवारण कर सकता है? दिया जो श्राप स्वामी ने वो मेरे हाथ में दुआ निकला के मेरे बात से स्वामी जगत का बन में आ निकला, लगाकर कृपा की बली ये नैया पार कर देना। प्रभु मैं शर्म आई हूँ, मेरा उद्धार कर। हे देवी, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांग लो। हे स्वामी, मैं ज्ञान वैराग आदि वर नहीं मांगती, मेरा भंवर रूपी मन आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहे। जिन चरणों से गंगा निकली वो चरण अति सुखदायक हैं, जिनकी पूजा शिव करते हैं वो चरण पूजने लायक। जिन चरणों का सिमरन करके योगी जन ध्यान लगाते हैं, उन चरणों का तो ध्यान मुझे वरदान जो देना चाहते।
अच्छा जाओ भावनी, तेरे स्वामी का लोक प्रदान करता हूँ। सती साध्वी स्त्रियों के लिए यही वरदान है और इससे सब कल्याण है। जन्म जन्म का भय छूटे दू ऐसा वरदान। Thank you.
दीवानों तुम देश के कोने कोने में पहुंचा दो।